आज हम बात करने वाले हैं डे फोर के कबड्डी जिम वर्कआउट के बारे में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे फंक्शनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। सो हेलो, दिस इज दीपांश सिंह एंड यू आर वाचिंग एपिसोड 4 ऑफ कबड्डी ट्रेनिंग। तो हम पहले करने वाले हैं मेडिसिन बॉल थ्रोज। तो देखिए, मेडिसिन बॉल क्या होती है, पहले दिखा देता हूँ आपको। एक ऐसी बॉल होती है जो कि एक वेटेड बॉल होती है, ये है 6 किलो की। हमारे पास और भी है, जैसे आप देख सकते हैं 9 किलो की बॉल है यहाँ पर, और इससे ऊपर 12 किलो, उसके ऊपर डिपेंड करता है जितने आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे साथ अभी 6 किलो की बॉल है, तो इसके अंदर हम पहले इसके थ्रोज करेंगे। तो हम दो तरीके के थ्रोज करेंगे, एक ओवरहेड होगा और एक होगा चेस्ट पास, ठीक है। ओवरहेड के अंदर भी हम कई तरीके थ्रो करेंगे, 3 तरीके के, ठीक है। पहले जो हमारा है उसके अंदर हम उसको नीचे तरफ मारेंगे। किस तरीके से, आपने क्या देखा होगा, आपको अप करना है, ठीक है, पैर वाइड, और आपको ऐसे तरीके नीचे मारना है, ठीक है। ये होता है हमारा एक तरीके का थ्रो। बॉल उठाई आपने, 8 से 12 रैप कर सकते हो आप इसके अंदर, 3 सेट्स आपको लेने हैं। सेकेंड ओवर हेड आपका पीछे की तरफ फेंकने वाला, बॉल पकड़ी आपने और इस तरीके से आपको पीछे फेंकना है, ठीक है। और जो थर्ड थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें आप स्क्वाट्स करनी होती है हम एक तरीके से, ठीक है। ऊपर मारेंगे हम, बॉल में पकड़ ली, राइट लेग स्क्वाट्स अप, स्क्वाट्स अप, स्क्वाट्स अप, स्क्वाट्स अप। ये आपकी होल बॉडी के लिए होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मेडिसिन बॉल थ्रो है वो है हमारा चेस्ट पास। उसके अंदर वही चीज है, हमें बॉल पकड़नी है, ठीक है। आपको बॉल के ऊपर चेस्ट पास देना है, जैसे हमने देखा ये, ठीक है। दोबारा आपने पकड़ी है बॉल और पुश, बॉल पुश। अब इसका क्या है, पूरा गेम यही है कि पुश की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। किसी आपको रेडर को आपको पुश करना हो, सामने आया आपने पुश कर लिया, वहां पर आपकी फर्क पड़ेगा। आप रेडर हो, ठीक है, कोई डिफेंडर आपके सामने आया है, पुश करना है, उसकी पावर इंक्रीज करता है बहुत ज्यादा। तो ये थी हमारी मेडिसिन बॉल थ्रोज की एक्सरसाइज, 3 सेट 8 से 12 रैप आप इसके अंदर कर सकते हो। अब हम करेंगे बैटल रोप एक्सरसाइज, जो कि होगी रोप से, आगे आप देखोगे पूरा। और ये हमें करने हैं 30 से 45 सेकंड के 3 सेट, मतलब बैटल रोप करनी है हमें, ठीक है, उसके 3 सेट करने हैं, जिसके अंदर 30 से 45 सेकंड का 1 सेट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो है हमारी बॉडी वेट सर्किट, जिसके अंदर हम 3 एक्सरसाइज करेंगे 1 by 1 एक साथ में, ठीक है। पहली चीज हमारे क्या करेंगे, बर्पीज करेंगे। बर्पीज क्या है, नॉर्मल सपाटे आप देखेंगे जो मारते हैं, एक पैरवन वगैरह मारते हैं, कबड्डी अंदर ही मारते हैं, बस उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा। बस उसके अंदर सपाटों में क्या करना होता है आपको, आप जंप ले रहे हो, आपको पुशअप्स से ऐसे अप होना होता है, पर बर्पीज के अंदर पूरा लेट डाउन होना होता है नीचे, तब आप उसको अप होना होता है। किस तरीके से आप करते हो, ठीक है, ये हमारी पोजीशन है, आपने जंप ली, ठीक है, आप पूरा लेट गए, फिर अप, फिर जंप, इस तरीके से आपको बर्पीज यहाँ पर करनी होती है, ठीक है। अब सर्किट के अंदर सेकंड एक्सरसाइज क्या है यहाँ पर हमारी, वह माउंटेन क्लाइंबर्स। उसके अंदर क्या करना है, नॉर्मली पोजीशन होगी पुशअप्स वाली इस तरीके से, और आप ये आप इस तरीके से एक्सरसाइज करनी होती है। थर्ड एक्सरसाइज है वो हमारी बियर कॉल्स, कुछ नहीं, आपको इसको बोलते ना भालू उधर चलना है, ये आप इसमें आगे जाके पीछे भी आ सकते हो इस तरीके से, या फिर आप इसके अंदर घूम सकते हो पूरे में इस तरीके से, ये आपको करनी है। अब ये आपको 3 राउंड करनी है इसके भी, ठीक है, आप टाइम के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसमें 10-10 सबके रैप्स कर सकते हो, क्या 10 रैप्स आपने बर्पीस से करे, उसके बाद 10 रैप्स आपने करे माउंटेन क्लाइंबर्स के, उसका 10 आपने स्टेप्स लिए प्रॉपर बियर क्रॉस की, इस तरीके से आप इसको 3 राउंड के अंदर कर सकते हैं। पर एक के बाद एक करनी है आपको एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि आपको एक करा रेस्ट लिया फिर एक करी रेस्ट लिया, ऐसा नहीं, 3 एक्सरसाइज करनी लगातार आपको, फिर रेस्ट लेना है, फिर 3 एक्सरसाइज लगातार करनी है, सिर्फ 3 राउंड आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कोर वर्कआउट, ठीक है, कोर के लिए वर्कआउट करने वाले, अपने एब्स के लिए वर्कआउट करने वाले हैं, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसके अंदर हम 2 एक्सरसाइज करेंगे, पहली हमारी हैंग लेग रेजेस, ठीक है, आपको इसे लटक जाना है, तो आपने करी होगी एक्सरसाइज, ठीक है, लटक जाने के बाद आपको पैर ऐसे ऊपर लेने हैं, ठीक है, जैसे देख सकते हो ये, जिसके अंदर आपके पूरा जो जोर है आपके पूरे कोर पर पड़ेगा, ये कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और आपके एब्स ये तो आप जब भी कर सकते हैं इस चीज़ को, तो ये आपको करनी है। नेक्स्ट है हमारा प्लैंक। अब प्लैंक आपने सिंपली करा होगा, किस तरीके से करते हैं, मैंने यहाँ पर एक योगा मैट बिछा रखा है,
पोजिशन लेनी है, हाथ आपको ऐसे रखने हैं, ठीक है, बॉडी और शोल्डर एक उसमें, आपको ऐसे नीचे नहीं ज़्यादा, ज़्यादा से ऊपर नहीं, एक लाइन में रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लैंक करना। अब ये प्लैंक आपको कर सकते हैं एक मिनट का, मिनिमम एक मिनट का प्लैंक करना है आपको, मैक्सिमम आप दो तीन मिनट दे सकते हैं, जितना आपका स्ट्रेंथ आपकी कोर की उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज खाली दो ही कोर वर्कआउट यहाँ पर करेंगे, तो वही आप तीन से चार सेट्स इसके ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।